नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, अलग अलग वीडियो में हम आपके लिए अलग अलग समस्याओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि इस बीज मंत्र के माध्यम से आप उन समस्याओं को किस प्रकार से सुलझा सकते हैं। बीज मंत्र होता क्या है? जिस प्रकार से आप किसी वृक्ष के फल को, उसका जो बीज होता है, चाहे वो आम का हो, बेर का हो, जामुन का हो, संतरे का हो, किसी भी चीज़ का जो बीज होता है, उसको जब हम लगाते हैं और उसके लिए जब हम खाद पानी देते हैं, तो वो धीरे 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 बढ़ता है और बढ़ने के पश्चात में एक वृक्ष के रूप में परिणत होता है और फिर वो राहगीरों को, हम सभी को अपने फल प्रदान करता है। इसी प्रकार से बीज मंत्र की साधना होती है कि जब हम बीज मंत्र की साधना करते हैं तो धीरे 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 वो साधना परिपक्व होती है और जिस कार्य की आप कामना करते हैं, वो कार्य फिर आपका बनता हुआ चला जाता है। इसके लिए संयम की ज़रूरत पड़ती है, ध्यान लगाने की ज़रूरत पड़ती है। जिनका मन उचटते रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, उन लोगों को इस प्रकार की साधना नहीं करना चाहिए। या जो लोग, कई प्रकार के लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हमें तुरंत इसका रिजल्ट मिल जाए, तुरंत वो मतलब एक बार मंत्र का जाप किया और फिर देखना चालू कर देते या कमेंट्स में लिखना चालू कर देते, पंडित जी इतने दिन हो गए हमें इसका कोई फल नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार के लोगों को नहीं करना चाहिए। जब तक आपका मन एकाग्र ना हो, तब तक आपको ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। बीज मंत्र कैसे काम करता है, आपने देखा होगा। जैसे कि आप जिस देश में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, तो हमारे भारतवर्ष का एसटीडी कोड एक अलग रहता है, प्लस 91। इससे समझ में आता है कि यह भारत का जो है मोबाइल का कोड नंबर है। इसी प्रकार से अन्य देशों के अन्य कोड होते हैं। अब आपके पास में किसी व्यक्ति का जो कि दूसरी जगह रह रहा है और आपके लिए उसका नंबर तो मालूम है लेकिन कोड नहीं मालूम है, तो जब तक वो कोड मालूम नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, उससे आप बात नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार से आपको कोई मंत्र तो मालूम है, आपको उसकी विधि तो मालूम है, लेकिन जब तक उसका कोड यानी बीज जो मंत्र है वो यदि आपको पता नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बीज मंत्र उस चीज़ का कार्य करता है। तो जब हम बीज मंत्र के माध्यम से किसी चीज़ का हम जाप करते हैं, तो वो कई गुना ज़्यादा हमें फिर फलित होता है। आप ऐसे साधारण मंत्र का जाप करते, उसमें जितनी जल्दी आपको फल नहीं मिलता, उससे कई गुना ज़्यादा आपको बीज मंत्र लगाने से आपको उसकी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो मित्रों, ये सब चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको करने से पहले उसके बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि मंत्र होता क्या है। दूसरी हिदायत हम आपको दे दें कि बीज मंत्र का उपयोग आप जब करते हैं तो अच्छे कार्य के लिए आपको करना चाहिए। यदि आप गलत उद्देश्य से करते हैं, जैसे इसमें हम बहुत सारे वीडियो बताएंगे, जिसमें वशीकरण का भी बताएंगे, तो आप यदि मान लो वशीकरण के माध्यम से आप किसी के साथ में गलत संबंध बनाना चाहते हैं, तो वह आपके लिए जो है घातक सिद्ध हो सकता है, आपके लिए उल्टा इसका प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी चीज़, यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का कोई योग नहीं है,
और आप यदि किसी प्रकार का कोई भी बीज मंत्र का जाप करें या किसी भी मंत्र का जाप करें, वह चीज़ आपको प्राप्त नहीं होगी। जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में डॉक्टर बनने का योग नहीं है, इंजीनियर बनने का योग नहीं है, व्यापार करने का योग नहीं है, और यदि आप इन सब चीज़ों को करते हैं तो वो उसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। हाँ, यदि आपकी जन्म कुंडली में इन सब चीज़ों का योग तो है, लेकिन उसमें कई प्रकार की बाधाएं आ रही हैं। आपकी जन्म कुंडली में कहीं प्रेम संबंध का योग है, प्रेम विवाह होने का योग है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है। आपके माता पिता, या तो बच्ची के माता पिता या लड़के के माता पिता जो है, किसी प्रकार का वो कोई व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो चीज़ दूर हो सकती है। आपकी कुंडली में डॉक्टर बनने का 60% 70% योग है, तो ये थोड़ा सा जो उपाय रहते हैं वो थोड़े से उसको आगे पुशअप कर देते हैं, उस उपाय को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। इसके अलावा आपके लिए वो और ज़्यादा फ़ायदा नहीं कर सकते। इसलिए आप यदि ये सोचें कि ये करने से हमको ये फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जिनकी कुंडलियों में यदि आप किसी से प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, तो पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से पहले आप कुंडली दिखा लें, और उसके पश्चात में किसी गुरु के सानिध्य में यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो मित्रों, आज हम आपको इस कड़ी में बताने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, आज हम आपको इस कड़ी में बताएंगे कि किसी को भी वशीकरण करना है, किसी को अपने तरफ आकर्षित करना है, तो फिर इस क्लीम मंत्र का आपको किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इसके पहले हम आपको सावधानी आपको बता दें कि यदि आप किसी के साथ में प्रेम संबंध में हैं और किसी कारण से कोई गलतफहमी पैदा हो गई है और दोनों में अलगाव हो गया है, और आप दोनों में से कोई ना कोई चाहता है कि आप एक साथ फिर से आ जाएं, पति पत्नी में आपसी मतभेद चल रहे हैं, तलाक की स्थिति आ गई है, लेकिन इसके पश्चात भी कहीं ना कहीं दोनों के अंदर प्रेम है और अपन चाहते हैं कि हमारा घर किसी भी प्रकार से न टूटे, हमारा घर बना रहे, तब फिर आपको इस प्रकार के प्रयोगों को करना चाहिए। यदि आप अनावश्यक रूप से किसी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए, कोई गलत उद्देश्य से यदि आप इस प्रकार का कोई भी काम करते हैं, तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। यह मंत्र जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि मित्रों, अक्सर हमने अपनी साधना के समय पर देखा है कि जब इस मंत्र का हम किसी भी अच्छे उद्देश्य के लिए भी जब हम जाप करते हैं, तो पहले बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारे हमारे काम जो बने हुए हैं वो बिगड़ जाते हैं, लेकिन उसका फल जो है फिर धीरे धीरे हमें कई गुना प्राप्त होता, सारी स्थितियां जो है वो हमारी परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए इस प्रकार के जो प्रयोग हैं, इस प्रकार के जो ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का आपको किसी अच्छे आपके जो गुरु है, जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, उस गुरु के सानिध्य में, उस गुरु के मार्गदर्शन में यदि आप इसको करेंगे, तो फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं और बहुत उल्टे सीधे तरीके से वो लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हमको ये करा दो, हमको ऐसा करा दो, इतना रुपए ले लो। भाई साहब, हम ये सब काम नहीं करते हैं, समझे नहीं। हमारे पास में भगवान की दया से बहुत कुछ है, लेकिन हम इन सब चीज़ों का प्रयोग किसी भी गलत उद्देश्य के लिए नहीं करते हैं। हाँ, ऐसे कहीं यदि मान लो कोई बहुत ही ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है, तब कहीं जाकर के हम किसी के साथ में इस प्रकार का करते हैं कि उसका घर बिल्कुल बर्बाद होने वाला है, तो कहीं हमको लगता है उचित तो हम करते हैं, नहीं तो हम इस प्रकार के प्रयोग को कभी किसी के लिए नहीं करते हैं, ना ही इसका कोई हम धनराशि लेते हैं। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न आप फोन करके ना पूछें तो अच्छा रहेगा। आप यदि इन परिस्थितियों में हैं तो एक बार आपको करके देख लेना चाहिए। यदि आपको फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं फ़ायदा होता तो उसको ईश्वर के भरोसे आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको जो भाग्य में है वही मिलता है, यदि आपके भाग्य में नहीं है तो वो कभी आपको नहीं मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली में यदि आपकी प्रेम संबंध का जो है आपका विच्छेद होने का योग है, या आपके पति पत्नी में तलाक होने का योग है, तो फिर उसको कोई भी ज्योतिषी, कोई भी मंत्र जो है उसके लिए ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों का आपको एक बार प्रयोग करके देख लेना चाहिए। यदि प्रयोग करने से यदि आपको सफलता मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। कोई भी चीज़ यदि हम करते तो यदि आपको लाभ नहीं होता तो फिर हानि भी नहीं होती, यदि हम अच्छे विचारों से यदि इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो। तो मित्रों, आपको करना क्या है, एक घी का दीपक जला लें, ब्रह्म मुहूर्त में आप सो करके उठ जाएं, और
जिस भी व्यक्ति से आपका संबंध विच्छेद होने वाला है उस व्यक्ति की आप तो आप फोटो रख लें, और फोटो ना भी रखें तो फिर जो है आप कामदेव के मंत्र का आप जाप करें, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जो है कुछ समय तक आप जाप करें, 20 दिन 21 दिन 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आप जितना भी जप सकते, कमर सीधी करके बैठ जाओ और इस प्रकार से ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, इस मंत्र के जपने से आपके अंदर एक प्रकार का आकर्षण पैदा होगा, और उस आकर्षण के कारण यदि आपके अंदर कोई गलत फहमी आ गई है तो वो व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित होते हुए चला जाएगा। तो यदि आपको अपने अंदर आकर्षण पैदा करना है तो फिर आपको इस प्रकार से इस मंत्र का आपको उपाय करना चाहिए और इस मंत्र का आपको सहारा लेना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आ रही कठिनाइयाँ दूर होंगी और आपके काम बनेंगे। मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारे नित आने वाले वीडियो आप लोगों के पास में आसानी तक पहुंच सकें और आपको इन सब चीज़ों का समय पर लाभ प्राप्त हो सके। अच्छे लगने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर करें और इसी प्रकार अपना स्नेह व प्यार हमें देते रहें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री का शिव कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।